विभा के किचन में आप सबका वेलकम है। तो चलिए आज हम बनाते हैं सोन पापड़ी। तो मैंने एक पैन में 2 चम्मच घी और 1 कप मैदा और 1/2 कप चने का आटा लेकर इसे हल्के फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसे भूनने के बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए हमने इसे छान लिया है और उसी पैन में हमने 1/2 कटोरी चीनी ली है। जैसा कि हमने यहाँ पर 1 कप मैदा और 1/2 कप चने का आटा लिया है, उस हिसाब से हम चीनी लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पिघलने के लिए रख देंगे। हम इसे हिलाएंगे नहीं। फिर हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। जब ये अपने आप पिघलने लगेगी तो हम इसे थोड़ा सा चम्मच की मदद से हिला लेंगे। देखिए अब इस कलर का, ब्राउन कलर का आ जाए तो हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। हम इसे ठंडे पानी में चेक करेंगे और इसकी कुछ बूंदें इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए ये बूंदें आपस में मिलने लगें। इस तरह से हाथों से हम मिला लेंगे तो एक बाल की शक्ल में आ जाएगी। तो हमारी ये चीनी पक गई है। तो अब हम इसे एक बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे पूरी चीनी को इस तरह से चम्मच से समेट कर लेंगे। फिर हम इसे हाथों में लेकर इस तरह से खींच लेंगे। तो देखिए हम इसे खींच कर कितनी अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंटेड कलर का बन जाएगा। तो देखिए कितने अच्छी तरह से बन गया है। अब हम इसका एक राउंड सा सर्कल बना लेंगे। अब जो हमने आटा यहाँ पर रखा था इसे एक बर्तन में डालकर रखेंगे और इस सर्कल को इस तरह से इसमें इसके ऊपर खींचते हुए इस आटे को इसके अंदर समा लेंगे। तो देखिए हमने और थोड़ा आटा इसके ऊपर डस्ट कर लिया है। इस तरह से आटे को डस्ट कर हम पूरी तरह से इसे, इस राउंड को जो हमने बनाया था इसे टूटने नहीं देंगे। जब हम इसका इसे हम सेट करने के लिए रखेंगे तो किसी चीज़ में, तो हम इसे कट कर लेंगे कैंची की मदद से। देखिए यहाँ पर कितने अच्छी तरह से लच्छे बन गए हैं, जैसे कि बुढ़ी के बाल मिलते थे ना, उस तरह के लच्छे बन गए। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे और इसके थोड़े से एक हिस्से को निकाल कर इसे इसमें सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी सोन पापड़ी की कटोरियाँ बनाकर रख ली। अगर जब ये बन जाए तो हम इसे इस तरह से खुले ना रखें। अब इसके ऊपर हम प्लास्टिक के कवर से रैप कर इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छी रहेगी, वरना ये पिघलने लगेगी। इसमें चीनी होती है ना, इससे पिघल जाएगी। तो देखिए हमारी सोन पापड़ी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है।